नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हैं चैनल डब्बा खोल। और आज हमारे पास एक पावर बैंक बिलियन कंपनी का और यह है 15,000 mAh का पावर बैंक। तो आज हम इस करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैंने थोड़ा सा पहले ही खोल लिया है और मैं कागज़ को फोल्ड करके इसको 2 या 3 बार फोल्ड करके उसकी मदद से खोलूँगा, क्योंकि मेरे पास वो प्लास्टिक का जो टुकड़ा होता है वो नहीं है जो फ़ोन वालों के पास होता है। तो मैंने अपना ही दिमाग लगाया और ये साइड से मैंने हल्का सा खोल लिया था पहले ही, वीडियो बनाने से पहले ही। और उसके बाद खोला ऐसे ही था जैसे अभी खोल रहा हूँ। और ये कागज़ अटकाने के बाद हम इसको सीधा खींच देंगे तो इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो निकलेगा। तो बेसिकली मुझे करना ये था कि मुझे देखना था कि 15,000 mAh लिख तो देती हैं कंपनियाँ, लेकिन क्या वाकई में उसके अंदर 15,000 mAh कैपेसिटी के सेल्स या बैटरीज होती हैं या नहीं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा होता भी है या नहीं। इससे पहले मैंने कई बार सुना है कि लोग बोलते तो हैं कि हाँ इसमें सेल है, लेकिन काफ़ी घटिया क्वालिटी के या फिर आप कहो कि डमीज लगा देते हैं। जैसे ये सेल दिख रहे हैं आपको 6, उसमें से 4 वर्किंग होंगे और 2 डमीज होंगे। तो आप उनका वेट चेक करके भी बता सकते हो कि हाँ ये डमी हो सकते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि एक सेल की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ ये जो कैपेसिटी है इसकी, लगभग 2,500 mAh का एक सेल है। उसके हिसाब से अगर 6 सेल की बात करें तो वो 15,000 mAh की बैटरी चुक रहा था। अब मुझे ये देखने में पता नहीं लग रहा कि इसमें से कौन सा डमी है और कौन सा ओरिजिनल है। तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसकी जो LED वगैरह जो चल रही है अभी, खास कर तो थोड़ा सा हिल जरूर गया है और इसका जो कोना, ये हाँ ये वाला थोड़ा सा टूट जरूर गया है, लेकिन जब मैं लगाऊंगा इसे तो परफेक्टली लग जाएगा। LED चल रही है लेकिन जिसकी जो फिटिंग थी वो थोड़ी सी हिल गई है। चाइना का माल है तो ओब्वियसली हिलेगा ही हिलेगा। लोग पता नहीं क्यों चाइना पे इतना भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सस्ता मिलता है तो इसलिए कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी सेल की आपको कैपेसिटी दिखाऊं पास से, तो आपको मैं थोड़ा सा पास करके दिखाता हूँ। देखो ये जो मेरी उंगली जहाँ पर मैं दिखाऊँगा वहाँ पर लिखा हुआ है 2,500 mAh की बैटरी, ठीक है, सिलेंड्रिकल बैटरी है और ये रिचार्जेबल भी है जैसे आपको जानते ही हो। और ये गोंद के माध्यम से चिपका हुआ है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, 2 पोर्ट दिए हुए हैं चार्जिंग के लिए और ये सर्किट का सारा कमाल है। तो लुक्स काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको ने इस वीडियो नहीं देखी इसकी अनबॉक्सिंग की तो आप मेरे वीडियोज़ में चेक कर सकते हो। वैसे मैं आई बटन में भी डालने की कोशिश करूँगा। अगर इसकी चार्जिंग की बात, तो ये खुद चार्ज होती है कम से कम 5 घंटे में और आपका फ़ोन भी ये स्लो स्लो चार्ज करती है। लगभग अगर आपका फ़ोन नॉर्मली चार्ज होता है 2.5 घंटे में, तो ये कम से कम लगाती है 3.5 घंटे या 3 घंटे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हुई वीडियो और LED अच्छी खासी काम कर रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो डब्बा खोल, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी।